दोस्तों, अगर आप भी एक आधार कार्ड धारक है तो आपको अपने आधार कार्ड में एक छोटा सा काम करवाना जरूरी है, वरना आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। आधार कार्ड आज के टाइम में हम सबकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, तो आप भी जल्दी से अपने आधार कार्ड में ये छोटा सा काम कर ले कि आपको अपने आधार कार्ड से मिलने वाली वो सभी फैसिलिटीज मिलती रहे और आपका आधार कार्ड बंद ना हो। तो आपके आधार कार्ड में आपको ये छोटा सा काम क्या करना है, इसे कैसे अपडेट करेंगे, किन लोगों को करना जरूरी है और किन लोगों को नहीं करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। और आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी फोन से आप अपने आधार कार्ड में छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधार सेंटर जाकर ये काम करवाएंगे तो वहां पर आपसे पैसा लिया जाएगा, लेकिन आप अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में इस काम को कर सकते हैं, जिसका लाइव लेटेस्ट प्रोसेस आप अभी इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो आधार कार्ड को अपडेट करने की लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन यूआईडी ने फिर से आपको एक लास्ट मौका दिया है कि आप जल्दी से अपने आधार कार्ड को नेक्स्ट डेट तक अपडेट करवा ले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन से पहले आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है SSUP। इतना लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में ही SSUPUID.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको सिंपली से इसी पर ही एक क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने माई आधार पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसे कि आप यहां पर देख सकते हो। अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड काफी सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, लेकिन इनमें से ही सबसे पहले आपको एक सर्विस देखने को मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स अपडेट। तो दोस्तों, अगर आप भी एक आधार कार्ड धारक है तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अपडेट वाली सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना अनिवार्य है। तो आप अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपडेट कैसे करेंगे और ये करना क्यों जरूरी है और इन लोगों को ये करना जरूरी है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। लेकिन आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की लास्ट डेट 14 मार्च 2024 थी, जिसको हाल ही में गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दिया है, जैसे कि आप यहां पर डेट देख सकते हो। और 14 जून तक ये सर्विस अभी बिल्कुल फ्री है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। तो आप भी अपने आधार कार्ड में बिल्कुल फ्री में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन आधार सेंटर जाकर अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराएंगे तो वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल से आप अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स को चुटकियों में अपडेट कर सकते हैं। तो कैसे आप अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे, उसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से चेक टू सबमिट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। नीचे कैप्चा कोड जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पर एंटर करके यहाँ से लॉग इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो आप OTP यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि हमारे पास में OTP आ चुका है, हम इस OTP को यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो आपका आधार कार्ड माई आधार पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपके आधार कार्ड की डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है तो आप यहाँ से कंसेंट देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के साथ दो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा, जिससे कि एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और दूसरा एड्रेस प्रूफ के लिए। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ से सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, इंडिया पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, मार्कशीट, आपके पास में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनमें से हैं तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे और फिर यहाँ पर अपने उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे। अपलोड आप डायरेक्ट कैमरा से भी कर सकते हैं या फिर आपके फोन की गैलरी में आपका डॉक्यूमेंट जहाँ भी रखा है वहाँ से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट किया है तो यहाँ से हम वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसकी साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके लिए आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। आप इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ के लिए भी हम वोटर आईडी कार्ड को देना चाहते हैं तो यहाँ से वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे और फिर यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट्स आपके फोन में जहाँ रखा है वहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से कंसेंट देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे। आपके सामने
सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है क्योंकि ये सर्विस अभी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा दिया। और यहाँ पर अमाउंट में आप देख सकते हो 0 रुपए दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पर इस सर्विस का एक भी पैसा भी नहीं लग रहा है, ये सर्विस अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप भी जल्दी से अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड जरूर कर ले वरना आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड उन लोगों को करना है जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और 10 साल में उन्होंने अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट नहीं करवाया। तो उन लोगों को तो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों का आधार कार्ड पुराना है और उन्होंने बीच में अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवा लिया या फिर कुछ अपडेट करवा लिया है तो उनको अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से भी समझ में नहीं आए तो आप अपने आधार नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं कि आपको अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या फिर नहीं। उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देखें। इस वीडियो में हमने बताया है कि आपको अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या फिर नहीं। आप इस वीडियो को देखकर अपने आधार नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे भी ऐसी यूजफुल वीडियो मिल सके। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।